ब्रेक के बाद जारी है हाई अलर्ट। अब आपको दिखाते हैं वो दिन भर की क्राइम स्टोरीज जो आपने पीछे छूट गई हैं, लेकिन वारदात के निशान अपने पीछे जरूर छोड़ गई हैं। आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मौत से पहले युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में आदिल ने लगाया था धर्मेंद्र पर गोली मारने का आरोप। आदिल की गोली मारकर की गई हत्या। धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना एतमदौला के घाट चौराहे पर हुई थी घटना। जौनपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की हुई मौत। एल्युमिनियम की फैक्ट्री में भट्टी में गिरा मजदूर, मजदूर की हुई मौत। मौत से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। पुलिस ने मैनेजर और तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया। थाना शाहगंज नगर के ताका पूरब इलाके का मामला। कानपुर में दिखा आग का कोहराम। गाड़ियों के पार्ट्स के गोदाम में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका है पता। आग में जलकर लाखों का सामान स्वाहा। सीसामऊ थाना इलाके की हीरागंज ट्रेनरी इलाके का मामला। कोटद्वार में कार बनी आग का गोला। चलती कार में लगी आग। कार सवार ड्राइवर और एक शख्स की जान बाल बाल बची। आवारा जानवर को बचाने की वजह से हुआ था हादसा। डिवाइडर से जा टकराई कार। कोटद्वार के मालन नदी पुल की घटना। लखीमपुर खीरी में घर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने से नकदी और सामान जलकर हुआ खाक। गाँव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से दो लोग झुलसे। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके का मामला। फायरिंग की आवाजों से दहला मुरादाबाद। आपसी विवाद में चली गोलियां। गोली चलने से 7 साल के मासूम की हुई मौत। मासूम की मां गोली लगने से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाना सिविल लाइन इलाके के हरथला हिमगिरी कॉलोनी की घटना। रुड़की में एक स्कूटी में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना देने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह की पुलिस कर रही है तलाश। रुड़की के सिविल लाइन अस्पताल परिसर में खड़ी थी स्कूटी। मेरठ में दो गुटों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुराना बताया जा रहा है वीडियो। दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। किठौर थाना इलाके के सांगरपुर गांव का मामला। हाथरस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। देर रात हुई घटना से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का किया जा रहा पता। घटना में एक मजदूर झुलसा। रंग बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हाथरस की थाना हाथरस गेट के रुहेरी गांव का मामला। गोरखपुर में आग लगने से मचा हड़कंप। बैंगल एंड ज्वेलरी हाउस में लगी आग। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से भारी नुकसान का अनुमान। राजघाट थाना इलाके के तुर्कमानपुर डाकखाना का मामला। टिहरी में एक ट्रक हुआ दुर्घटना का शिकार। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा ट्रक। दर्दनाक हादसे में ट्रक सवार की मौत। ऋषिकेश चंबा NH-94 की नरेंद्र नगर की ओड़ी पैड के पास की घटना। झांसी में एक दुकान में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। धीरे धीरे विकराल होती चली गई आग। कई दुकानों को लिया अपनी चपेट में। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। सब कुछ जलकर हुआ खाक। कस्बा थाना गुरसाए इलाके के रामराज मोबाइल की दुकान का मामला। कौशाम्बी में हुआ एक दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरी एक कार के ऊपर पलटा बालू लदा ट्रक। ट्रक पलटने से 8 लोगों की हुई मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली के देवीगंज बाजार चौराहे की घटना।